नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर 24 और मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा। ये नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। शहर के अंग्रेजी माध्यम विद्यालय पायोनियर पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज बलरामपुर में विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रबंध निदेशक डॉक्टर एमपी तिवारी ने विश्व सामाजिक न्याय दिवस के बारे में बताते हुए कहा कि दुनिया में लोगों के बीच कई तरह के भेदभाव पैदा हो रहे हैं, जो कि लोगों के बीच एक दूरी का कारण बन गया है। इन भेदभाव के कारण कई लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं दुनिया में इस तरह की बुराइयों को खत्म करने के लिए हर साल विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को कई उद्देश्यों को प्राप्त करने के मकसद के लिए बनाया गया है। इस दिवस के दिन कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके लोगों को जागरूक किया जाता है। ये दिवस मुख्य तौर से नस्ल, वर्ग, लिंग, धर्म, संस्कृति, भेदभाव, बेरोजगारी से जुड़ी हुई कई समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा हमारे देश से गरीबी, बेरोजगारी, लोगों के बीच असमानता जैसी चीज़ों को खत्म करने की काफ़ी ज़रूरत है। वहीं हमारी सरकार द्वारा इन चीज़ों को खत्म करने के लिए कई कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश में इन समस्याओं से पूरी तरह से निपटाया नहीं गया। वहीं इस दिवस के मकसद से भारत सरकार लोगों की शिक्षा का महत्व, भेदभाव नहीं करने जैसी चीज़ों के बारे में जागरूक करने में लगी है और उम्मीद है कि आने वाले सालों में भारत अपने इन लक्ष्यों में कामयाब हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।